दोस्तों, हाल ही में मैंने एक हॉरर शॉर्ट फिल्म देखा है जिसका नाम है अदर साइड ऑफ द बॉक्स और इस फिल्म को केलेब फिलिप्स डायरेक्ट करे हैं। आईएमडीबी पे इस फिल्म को मिले हैं 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोस पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को और इसमें दिखाए गए एंटिटी को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही ये शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जिसे देखने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम बेन और रेचल को देख पाते हैं जो कि कुकिंग कर रहे होते हैं। इनकी केमिस्ट्री को देखकर ये क्लियर था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। तभी इनके घर पे कोई नॉक करता है और बेन अंदर से ही देख पाता है कि ये शॉन था। शॉन के हाथ में एक गिफ्ट था और शॉन को यहाँ देख बेन और रेचल दोनों थोड़ा परेशान दिखते हैं। इनफैक्ट रेचल तो कहती है कि मैं तो शॉन से बात करना बिल्कुल नहीं चाहती। ऐसे में बेन कहता है कि वो शॉन को संभाल लेगा एंड देन वो घर का दरवाजा खोलता है। शॉन अंदर आता है और वो बेन से बातें करने लगता है और इनके कॉन्वर्सेशन में हम एक ऑकवर्डनेस फील कर पाते हैं। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि पास्ट में इनके बीच कुछ तो इशू हुआ था, ऑल्दो हमें बताया नहीं जाता कि वो इशू क्या था। बेन यहाँ शॉन से झूठ बोल देता है कि रेचल अभी घर पे नहीं है और ये सुनके शॉन काइंड ऑफ खुश होता है। वो ग्रेट बोलता है। देन वो बेन को गिफ्ट देता है जो कि एक मिड साइज बॉक्स था। शॉन यहाँ बेन को ये गिफ्ट अभी ही खोलने कहता है। इनफैक्ट शॉन कहता है कि गिफ्ट कार्ड बाद में पढ़ लेना, पहले तुम मेरे सामने गिफ्ट खोलो। बेन ऐसा ही करता है बट टू हिज सरप्राइज गिफ्ट रैपिंग के अंदर एक सिंपल सा कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसके अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। बेन पूछता है कि क्या तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो, लेकिन तब तक शॉन आई एम सॉरी बोलते हुए यहाँ से हड़बड़ी में निकल लेता है। शॉन के जाने के बाद बेन इस बॉक्स में टॉर्च लाइट मारता है, फिर भी उसे कुछ नहीं दिखता। इस पॉइंट पे रेचल भी बॉक्स में इंटरेस्टेड थी और बेन बॉक्स के अंदर एक पेंसिल फेंकता है जो कि गायब हो जाता है। ऐसे में बेन और रेचल थोड़ा परेशान होने लग गए थे क्योंकि ये बॉक्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तभी बेन को याद आता है कि बॉक्स के साथ शॉन एक कार्ड भी दिया था। रेचल फौरन उस कार्ड को पढ़ती है जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, डियर बेन, मैं तुमसे पहले के लिए और अभी के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे ये बॉक्स किसी को तो देना ही था। मुझे इसके बारे में सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो तब मूव नहीं कर सकता जब तुम उसे देख रहे हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, तुम उसपे से अपनी नजर मत हटाना क्योंकि वो चाहता है कि तुम कहीं और देखो। तभी बेन देखता है कि उसके पैर के पास वही पेंसिल गुरक्कर आ गया था जो वो बॉक्स में डाला था। अब जब बेन बॉक्स की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बॉक्स में से एक इंसान बाहर निकल रहा था। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल तो वो एकदम हल्का सा बाहर आया था और वो एक टक बेन को देखे जा रहा था। ये इंसान पानी में भीगा लग रहा था और वो बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था। इस दृश्य को देखकर बेन और रेचल दोनों के होश उड़ गए थे और ऐसे में बेन शॉन को कॉल करता है, लेकिन बेन का कॉल सीधा शॉन के वॉइसमेल में जा रहा था। नाउ ये बॉक्स वाला इंसान अब भी बेन को एक टक देखे जा रहा था और वो बेन, शॉन और रेचल की आवाज भी निकालता है। लाइक जो कुछ बेन अभी बोला था ये बॉक्स वाला आदमी बेन की आवाज में रिपीट करता है, सेम फॉर रेचल। बेन फौरन यहाँ से निकलने की सोचता है, लेकिन रेचल उसे याद दिलाती है कि दे कैन नॉट लुक अवे फ्रॉम इट। लेकिन इनके मन में एक सवाल कौन रहा था कि अगर ये लोग उसे नहीं देखेंगे तो क्या होगा। वेल, इसका पता लगाने के लिए ये दोनों एक दो सेकंड के लिए बॉक्स वाले इंसान पर से नजर हटाते हैं और जब वो वापस बॉक्स की तरफ देखते हैं तो ये इंसान थोड़ा और बाहर निकल चुका था। अब हम बॉक्स पे उसकी उंगलियां भी देख पाते हैं। इस पॉइंट पे ये बॉक्स वाला आदमी शॉन की आवाज में शॉन की ही बातें रिपीट करने लगता है, ऑल्दो वो यहाँ एक बात खुद से ऐड करता है। वो शॉन की आवाज में कहता है कि किसी भी हाल में इसे घर से बाहर नहीं निकलने देना है, जबकि शॉन ऐसा कुछ नहीं बोला था। नाउ बेन सोचता है कि ये बॉक्स वाला आदमी तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक हम इसकी ओर देखते रहें। तो ऐसे में बेन शॉन को खोजने बाहर जाएगा और रेचल इस पे नजर रखी रहेगी। अब ऑफ कोर्स रेचल अकेले इस पे नजर रखना नहीं चाहती थी, लेकिन बेन उसे कन्विंस करके शॉन को खोजने निकल लेता है। तो बेन बाहर जाता है एंड यहाँ वहाँ वो अपनी कार में घूम रहा था और शॉन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली शॉन कॉल उठाता है और यहाँ बेन कहता है कि
तुम मुझे क्या दे दिए हो? ये क्रीपी सा इंसान बॉक्स से निकल रहा है, देन ये हमारी आवाजें निकाल के सेम बातें बोलता है जो हम पहले बोले हो। ये सुनते शॉन कहता है कि मुझे तो पता तक नहीं था कि वो बोल भी सकता है, और मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि उसे घर से मत निकलने देना। इसका मतलब कि वो बॉक्स वाला आदमी शॉन की आवाज में बेन से झूठ बोल रहा था। अब इस पॉइंट पे शॉन को पता लगता है कि रेचल भी घर पे है और वो उस इंसान पे फिलहाल नजर रखी है। ये जानते ही शॉन एकदम फ्रीक आउट करता है और चिल्ला के कहता है कि बेन तुम्हें नजर रखना था, रेचल को नहीं, गिफ्ट तुम्हें मिला था। ये सुनते बेन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने कार को घर की ओर टर्न करता है। फोन पे शॉन चिल्ला रहा था कि डोंट गो बैक, लेकिन बेन फोन कट कर देता है और अपने घर वापस जाता है। अब जब बेन घर पहुंचता है तो वहां लाइट नहीं थी और सब कुछ उथल पुथल था। लाइट स्विचेस को तोड़ दिया गया था और घर में यहां वहां पानी था। घर में ना तो रेचल दिख रही थी ना ही वो बॉक्स। इनफैक्ट घर पे कई टैप्स ओपन थे। बेन रेचल को ढूंढने लगता है और उसे बेसमेंट से रेचल की आवाज सुनाई देती है। ऑफ कोर्स अब तक आप समझ गए होंगे कि ये वो एंटिटी ही आवाज निकाला होगा, लेकिन फिर भी बेन बेसमेंट में चेक करने जाता है और वहां उसे वॉशरूम में टैप्स रनिंग दिखते हैं। नाउ टू आवर शॉक, बाथरूम के अंदर शावर में हम उसी बॉक्स वाले इंसान को देखते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह बाहर आ चुका था। बेन फौरन यहां से निकल के भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट के एंट्री पे वो कुछ लोगों को डार्क में देखता है। बेन जब बाथरूम की ओर देखता है तो उसे वो बॉक्स वाला भीगा इंसान दिखता है, लेकिन उतने देर में बेसमेंट डोर वाले लोग नजदीक आते हैं। और जब वो बेसमेंट डोर वाले लोगों को देखता है तो वो बॉक्स वाला इंसान नजदीक आता है। अब बेन एक साथ तो दोनों को नहीं देख सकता, यानी कहीं ना कहीं से एंटिटीज उसके नजदीक आ ही जाएंगे। होता भी ऐसा ही है जब एक पॉइंट पे बॉक्स वाला इंसान वहां का लाइट बंद कर देता है और बेन हार मान लेता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एंटिटी उस तक पहुंच गई होगी। यहीं पे ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अदर साइड ऑफ द बॉक्स की कहानी, और अब हम इस फिल्म के कुछ सटल डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेन, रेचल और शॉन कैसे कनेक्टेड थे। फिल्म में क्लियरली तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन लोगों के रिएक्शन से हम समझ पाते हैं कि पहले शॉन और रेचल रिलेशनशिप में रहे होंगे, देन बेन आया होगा जिसके प्यार में रेचल शॉन को छोड़ी होगी। अब शॉन को छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज नहीं था। दूसरा, वो उतना कमाता भी नहीं था, क्योंकि शॉन क्लियरली कहता है कि मैं अब भी वही ओल्ड जगह पे रह रहा हूँ। वहीं अगर बेन को हम देखें तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज था, लविंग था, और उसका घर भी काफी बढ़िया सा था, डिपिक्टिंग कि वो अच्छा खासा कमाता है। पास्ट में शॉन कुछ तो तमाशा भी किया होगा, तभी तो वो बेन को सॉरी कह रहा था और रेचल भी उसे मिलना नहीं चाहती थी। नाउ कमिंग टू द बॉक्स, ऑफ कोर्स ये बॉक्स सुपरनैचुरल थी। इसके अंदर जो एंटिटी था वो बहुत ही ज्यादा शातिर था। ये एंटिटी किसी की भी आवाज निकाल सकता है और वो लोगों को मैनिपुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, वो बेन के सामने शॉन को आवाज निकाल के उसे गलत इन्फो दिया कि एंटिटी को घर से बाहर नहीं जाने देना है। इनफैक्ट ये एंटिटी बेन के सामने ऐसे प्रिटेंड किया मानो अगर रेचल भी उसे देखेगी तो वो बाहर नहीं आ सकेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बस बेन के देखने पे ही नहीं हिल सकता था, क्योंकि बॉक्स खोला था। देखा जाए तो इस एंटिटी की यही एक कमजोरी है कि वो तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक टारगेटेड इंसान उस पे से नजर ना हटाए। शॉन ये बॉक्स बेन को उससे बदला लेने के लिए दिया था। वैसे शॉन को ये नहीं पता था कि घर में उस वक्त रेचल भी थी, इसलिए जब शॉन को पता लगा कि बेन बॉक्स को रेचल के भरोसे छोड़ दिया है तो वो चिल्लाने लगा, क्योंकि अब तक तो वो एंटिटी बाहर निकल के रेचल को कंज्यूम कर चुका होगा। यहाँ एक और सवाल ये है कि आखिर ये एंटिटी करता क्या है? वेल, आई बिलीव कि ये एंटिटी लोगों को कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद वो भी इस बॉक्स का हिस्सा बन जाते हैं। तभी तो बेसमेंट में हम कई लोगों को देखते हैं डार्क में। इनफैक्ट एक शैडो मुझे रेचल जैसी लग रही थी। एक और अजीब बात आपने नोटिस करा होगा कि बॉक्स वाला इंसान हमेशा भीगा ही रहता है। इनफैक्ट घर में टैप्स और शावर भी ऑन कर दिया गया था, और उसे लाइट से हार्म तो नहीं होता, लेकिन दिक्कत जरूर है। तभी तो वो एंटिटी स्विचेस तोड़ दिया और हर जगह लाइट बंद करने की कोशिश में था। मैं एक और चीज बिलीव करता हूँ कि ये एंटिटी बस अपने टारगेट को और टारगेट के रास्ते में आने वाले इंसान को ही कंज्यूम करता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो एक बार इस एंटिटी के बाहर आने के बाद ये तो पूरे सिटी को ही अपनी चपेट में ले सकता है, एटलीस्ट नेबरहुड को तो ले ही लेगा। इसलिए आई बिलीव कि बेन के कंज्यूम होते ही एंटिटी वापस बॉक्स में जाएगा और अपने नेक्स्ट टारगेट का इंतजार करेगा, यानी वो इंसान जो कि नेक्स्ट इस बॉक्स को खोलेगा। यहाँ एक चीज जो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया वो ये कि शॉन इससे कैसे बचा। आई मीन शॉन के पास ही पहले ये बॉक्स था और उसे इस एंटिटी के बारे में पता भी था, तो आखिर वो बॉक्स को वापस सील करके बेन को कैसे दिया? एक पॉसिबिलिटी
यह है कि बॉक्स शॉन के किसी दोस्त के पास होगा, जहां टारगेट शॉन का दोस्त होगा और शॉन नहीं। तो ऐसे में शॉन अलग से सब कुछ देख के समझ लिया होगा। नाउ शॉन का दोस्त जब कंज्यूम कर लिया गया होगा, तब शॉन इसे सील करके बेन को दे दिया होगा। ये बस एक थियरी है, श्योर शॉट नहीं है। अगर आपके पास कुछ इसे बेटर थियरी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब जो भी हो, ये एक छोटी सी हॉरर फिल्म है जो कि बहुत ही तगड़ी है, जिसे देखने में काफी मजा आया। मैं इस फिल्म को हाईली रिकमेंड करता हूँ और आप इसे यूट्यूब पे फ्री में ही देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप यहाँ अपनी थियरीज भी कॉमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक ये एंटिटी क्या है, हमेशा भीगा क्यों रहता है, इसे लाइट क्यों नहीं पसंद, वगैरह वगैरह। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।